हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फोर से मैट्रिक्स पोजीशंस की, राइट? तो अब हम ये वीडियो में ये जानेंगे कि फोर से मैट्रिक्स कैसे काम करता है, इसके डिटेल पोजीशंस क्या है और हमें इनकम कैसे आती है। काफी लोगों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैट्रिक्स में पोजीशन कैसा होता है, X3 मैट्रिक्स क्या होता है, X4 मैट्रिक्स क्या होता है, इनकम कैसे आएगा, स्पिल कैसे आएगा, राइट? तो हम आज यहाँ पे यही शो करने वाले हैं कि ये सारा डिटेल्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं 0.05 इथेरियम से, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट ज्वाइनिंग अमाउंट है। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे ये 0.05 इथेरियम पे करते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम हमें दो मैट्रिक्स पोजीशंस में इक्वली डिवाइड करके हमें वहां एक एक आईडी प्लेस हो जाती है। तो पहला पोजीशन है जिसका नाम है X3, दूसरा पोजीशन है जिसका नाम है X4। सो दोनों मैट्रिक्स में हमें 0.025 इथेरियम ऑटोमेटिकली डिवाइड होके यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हो जाती है, राइट? अब हम देखेंगे X3 मैट्रिक्स का पोजीशन क्या है, ठीक है? तो ये है हमारा X3 मैट्रिक्स का पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं तो आपके नीचे ये तीन पोजीशंस ओपन होते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी डायरेक्ट रेफर करेंगे वो यहाँ पे प्लेस होते हैं इस स्ट्रक्चर में, राइट? अब हम देखते हैं X4 मैट्रिक्स का पोजीशन क्या होता है और कैसे होता है। तो ये है X4 मैट्रिक्स का पोजीशन। तो यहाँ पे टोटल 6 पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसे हम ज्वाइनिंग लगाते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होके ऑटोमेटिकली दोनों जगह एक एक पोजीशन हाफ हाफ 0.025 इथेरियम की आईडी यहाँ पे प्लेस हो जाती है, राइट? तो अब हम देखते हैं X3 पोजीशन कैसे काम करता है और कैसे हमें इनकम आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा X3 पोजीशन जिसकी वैल्यू है 0.025 इथेरियम। तो यहाँ पे हम जैसे ही एक डायरेक्ट रेफर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ए बंदे को स्पॉन्सर किया, तो जैसे आप इस पे ए को स्पॉन्सर करते हैं, ए से हमें 100% कमीशन मिलता है, राइट? तो यहाँ पे हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है ए को रेफर करते ही। तो ए से हमें कमीशन आता है 100%, दैट इज 0.025 इथेरियम। जैसे ही हम यहाँ पे बी बंदे को रेफर करते हैं जो कि वो भी हमारा डायरेक्ट है, तो बी से भी हमें डायरेक्ट कमीशन आता है, तो बी से भी हमें कमीशन आ गया 0.025 इथेरियम, राइट? जैसे हम यहाँ पे सी बंदे को रेफर करते हैं तो फ्रेंड सी पोजिशन जो होता है वो रिसाइकल पोजिशन होता है और ये पोजिशन का इनकम हमारे स्पॉन्सर को पास ऑन हो जाता है, राइट? तो गाइज X3 मैट्रिक्स में तीन पोजीशन होते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे तीन बंदे रेफर करेंगे तो तीन में से दो बंदे का इनकम हमें आता है और तीसरा पास ऑन हो जाता है, राइट? तो X3 पोजीशन में हमारी यहाँ पे इनकम जनरेट होती है 0.05 इथेरियम। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए एंड बी से हमें इनकम आता है और सी जो है वो पास ऑन हो जाता है, राइट? अब हम बात करेंगे X4 मैट्रिक्स में, X4 मैट्रिक्स के प्लेसमेंट कैसे होते हैं और कैसे हमें वहां से इनकम आता है। तो फ्रेंड दिस ये है हमारा X4 मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने बताया था ये 0.025 इथेरियम का मैट्रिक्स है जो कि बाय डिफॉल्ट प्लेस होता है, हमें हमारे साइन अप करते ही सिस्टम प्लेस कर देता है। तो अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और कैसे हमें इनकम आती है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है X4 मैट्रिक्स ये ऑटोमेटिक काम करता है, तो यहाँ पे आपके भी रेफरल आ सकते हैं और आपके अपलाइन से स्पिल है वो भी आ सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स ये चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा फर्स्ट पोजिशन फिलअप होता है, ये तो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है या तो कोई स्पिल भी हो सकता है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पोजिशन प्लेस होता है, इररेस्पेक्टिव कि ये आपका डायरेक्ट है या स्पिल आया हुआ है, यहाँ वाला जो इनकम जनरेट होता है वो स्पॉन्सर को स्पिल हो जाता है, राइट? जैसे ही बी पोजिशन आता है तो बी पोजिशन का भी कमीशन स्पॉन्सर को चला जाता है। नेक्स्ट है सी। तो जैसे ये सी वाला पोजीशन फिलअप होता है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी इनकम स्टार्ट होती है और ये सी पोजीशन हमें 100% कमीशन देता है, तो यहाँ पे हमारी इनकम शुरू होगी। तो सी से हमें इनकम आ गया 0.25 इथेरियम, राइट? नेक्स्ट है जैसे ही यहाँ पे डी का प्लेसमेंट होता है जो कि आपका डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर स्पिल भी हो सकता है, तो डी से भी हमें आता है 100% कमीशन, तो डी से हमें मिल गया 0.025 इथेरियम, राइट? जैसे ही अभी यहाँ पे ई पोजिशन फिलअप होता है, ई पोजीशन से भी हमें डायरेक्ट रेफरल कमीशन आता है जो कि 100% है, तो ई से भी हमें कमीशन आ गया 0.025 इथेरियम, राइट? नेक्स्ट पोजीशन है एफ का। तो एफ फ्रेंड्स ये एक रिसाइकल पोजीशन है और यहाँ का जो इनकम है वो पास ऑन हो जाता है स्पॉन्सर को, राइट? तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पे टोटल इनकम जनरेट हुई है 0.075 इथेरियम। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में टोटल 6 पोजीशंस में ए बी एंड एफ
जो है वो पास ऑन हो जाता है स्पॉन्सर को, एंड सी डी ई जो है वो पे होता है हमें डायरेक्टली 100%। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर में ए बी सी डी ई एफ या तो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं या स्पिल भी हो सकती है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि ये कौन किसका प्लेसमेंट है, राइट। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये है हमारा टोटल मैट्रिक्स X3 एंड X4 का। तो फ्रेंड्स X3 एंड X4 में दोनों में 12 पोजीशंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया X3 एंड X4 का फर्स्ट मैट्रिक्स पोजीशन को लेकर के जिसकी वैल्यू है 0.025 इथेरियम, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट मैट्रिक्स है नंबर 2 0.05 इथेरियम, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ऐसे करके लास्ट मैट्रिक्स पोजीशन है 12th मैट्रिक्स पोजीशन जो कि है 51.2 इथेरियम की वैल्यू की। तो ये आप पोजीशंस एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके बाय कर सकते हैं, या तो अपनी इनकम से बाय करें या फिर आप डायरेक्टली 2 या 3 या 4 पोजीशन लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम एक एक मैट्रिक्स हम बाय करेंगे X3 और X4 में, तो आप समझ दो ये सेम स्ट्रक्चर हर एक पोजिशन के लिए काम करता है। और आपको फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 12 पोजिशन बाय करते हैं तो आपके 12 मैट्रिक्स पोजिशन साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर एक साथ चलते हैं और हमें 12 पोजीशन से इनकम आती रहती है, राइट। होप ये काफी क्लियर हुआ होगा।